बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से हैं। आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। ऑपरेशन सर्च में हमारा चैप्टर चल रहा है जी नेटवर्क मॉडल के ऊपर, हम डिस्कशन कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर जो आपका था जी असाइनमेंट मॉडल्स का, उसमें हमने ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम जो थी उसके ऊपर डिस्कशन की थी। ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम में आपने देखा कि आपके पास कुछ सिटीज़ हैं 4-5-6, उसमें एक सेलमैन है वो किसी एक सिटी से स्टार्ट करता है और कंडीशन ये होती है कि वो हर सिटी में विज़िट करेगा, एक से ज़्यादा मर्तबा वो एक ही सिटी में विज़िट नहीं करेगा, और फिर हर सिटी में से विज़िट करने के बाद दोबारा वो जिस सिटी से स्टार्ट किया है उसी सिटी में वो वापस आएगा। तो यहाँ पर जो आज हम शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी आपकी ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम की तरह ही मिलती जुलती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम में ये होता है कि आपने जिस सिटी से स्टार्ट किया है सेलमैन दोबारा उसी सिटी में वापस आएगा, ठीक है, और ये भी शर्त होती है कि वो उसने हर सिटी में विज़िट करना है। जबकि यहाँ पर जो नेटवर्किंग मॉडल है इसमें जो आज की जो प्रॉब्लम है इसमें आप देखेंगे कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वो ज़रूरी नहीं कि आप उसी दोबारा उस पॉइंट पर वापस आएँ, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट जितने भी पॉइंट दिए हैं आप हर पॉइंट के ऊपर विज़िट करें, हर पॉइंट के ऊपर आप जाएं, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए होंगे जिन्हें हम यहाँ पर नोड बोलते हैं, ठीक है, आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ओरिजिन, और आपको एक लास्ट पॉइंट बताया होगा डेट इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन, आपकी डेस्टिनेशन होगी, आपने उस पॉइंट तक पहुँचना होगा, ठीक है। तो आपका टारगेट ये होगा कि आपने शॉर्टेस्ट पाथ मालूम करना है। अब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर। शॉर्टेस्ट पाथ इस हवाले से भी कहा जाता है, कहा जा सकता है आपको कि आपको आपका जो डिस्टेंस जिसमें मिनिमम होगा जिस पाथ में वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। ये भी कहा जा सकता है कि जिस पाथ से आपकी कॉस्ट मिनिमम लगे, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट पाथ है। ये भी कहा जा सकता है कि वो पाथ भी शॉर्टेस्ट हो सकता है जिसमें टाइम कम अज़ कम आपका लगे, ठीक है। तो इट डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि आपको उसने जो पाथ दिया हुआ है वो कॉस्ट के हवाले से दिया है, टाइम के हवाले से दिया है, या आपको वो दिया है जी उसके डिस्टेंस के हवाले से, ठीक है। तो आज की जो प्रॉब्लम है उसको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी कि फाइंड दी शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम नोड ए। नोड ए यानी ये ओरिजिन है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट है, टू नोड के। आपने नोड ए से नोड के की तरफ जाना है और शॉर्टेस्ट रूट तलाश करके बताना है बाई यूजिंग ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मैथड से हम शॉर्टेस्ट रूट तलाश करेंगे। द नंबर ऑन द लाइन लिंक्स रिप्रेजेंट दी डिस्टेंस इन किलोमीटर। और आपको यहाँ पर जो ये फिगर में नंबर नज़र आ रहे हैं ये डिस्टेंसेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो ए बी सी डी ई ये जो आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं सर्कल के अंदर, दीज आर कॉल्ड द नोड्स, इन्हें नोड्स बोलते हैं, ठीक है। आपने इस ए से इस के तक जाना है, ठीक है, तो आपने वो पाथ मालूम करना है यार, वो मतलब जिस तरह आप बचपन में आप खेलते थे आपने वो रास्ता तलाश करना होता था, ठीक है, तो वो रास्ता लेकिन तलाश करना है यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट जिसमें आपका डिस्टेंस कम अज़ कम रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा पाथ आपको मिल जाए जिनका डिस्टेंस बिल्कुल एक जैसा हो, ठीक है, वो ऑप्टिमल पाथ कहलाएगा जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा, और ये पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा ऑप्टिमल पाथ आपको मिल जाए, सही है। और अच्छा, अब इसको डायग्राम को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ, इसको समझ लें। मिसाल के तौर पर ए से लेकर बी तक मैंने दो एरो लगाए हैं, एक जाने का है एक आने का है। इनके ऊपर ये जो 10 है ये जो 15 है ये इसका डिस्टेंस है। ए से लेकर बी तक जाने का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और वापस आने का 15 किलोमीटर है, और जिसके ऊपर ये लाइंस नहीं लगी हुई, ठीक है, वो समझ लें आने और जाने के लिए सेम डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर बी से लेकर ई तक जाने का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, यही वापस आने का भी होगा 10 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन जहाँ पर डबल लाइन लगी है जैसे डी से लेकर जी तक है, दो एरो लगे हुए हैं, जाने के लिए 5 किलोमीटर है, आने के लिए 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्लियर होगी बात करें। तो इस तरह ये तमाम के तमाम नोड आपस में इंटरलिंक हैं, इनके ऊपर लगे हुए नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि डायग्राम में जैसे यहाँ पर मेरे पास ये दो सोर्सेज हैं ए और बी,
ठीक है, इनमें ए से बी तक जाने का जो रास्ता है उसको इस तरह मैं गोल करके ये एरो ऐसे भी बना सकता हूँ, जैसे यहाँ पर तो सीधा सीधा स्ट्रेट बनाया ना, तो यहाँ पर इस तरह गोल करके भी बनाए जा सकते हैं ए से बी, बी से ए, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जो शॉर्टेस्ट पाथ आपने मालूम करना है ग्राफिकली, उसमें सिर्फ दो स्टेप हैं, दो स्टेप आपको आते हैं तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। पहला स्टेप क्या है, ड्रा ऑल दी नोड्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ओरिजिन ए। सबसे पहले आपने जिस नोड से स्टार्ट करना है आपने उसको देखना है, वो आपको क्वेश्चन में बता दिया गया, आपने नोड ए से स्टार्ट करना है। दिस इज कॉल्ड दी सोर्स ओरिजिन, ठीक है, वर्टेक्स स्टार्टिंग पॉइंट ये कह सकते हैं आप। तो आपको अगर नहीं बताया हुआ तो फिर आप अल्फ़ाबेटिकली चल दें, चाहे ए को रख लें, अगर बता दिया तो फिर उसी पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं बताया तो आप जिससे मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, तो आपने करना क्या है, आपने वो तमाम नोड तलाश करने हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट हैं ओरिजिन ए के साथ। आप देखें वैसे तो ये सारे के सारे लिंक हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। मैं जो कनेक्टेड नेटवर्क है या जो बेसिक्स हैं इसकी, ये मैं ऑलरेडी अपने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लें, अदरवाइज़ इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ए के साथ मैं बता रहा था कि सारे नोड आपस में लिंक है, जैसे आपने अगर ए से ई तक पहुँचना है तो आप पहुँच सकते हैं इस तरह, ए से बी आ जाएँ, बी से ई आ जाएँ दोबारा, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे आ जाएँ, ए से लेकर सी तक आ जाएँ, सी से ई पर आ जाएँ, ठीक है। लेकिन ये ई तक ये वाला जो पहुँचना है ये डायरेक्ट नहीं पहुँच रहे आप, ये पहुँच रहे हैं वाया बी एंड वाया सी, सी से होकर या बी से होकर, तो ये इनडायरेक्ट है, सही है। तो आपने सबसे पहले वो पाथ तलाश करने हैं, वो नोड तलाश करने हैं जो डायरेक्टली लिंक हैं के साथ। तो आप गौर करें यहाँ पर आपको फिगर में ए के साथ जो लिंक नज़र आएंगे ना वो ये हैं, चार बी सी डी जी, ये चार नोड हैं जो डायरेक्टली ए के साथ मिले हुए हैं। आप गौर कर लें, ए से बी तक डायरेक्टली ये लाइन जा रही है 10 किलोमीटर की, फिर ए से लेकर नीचे डी तक आ जाएँ 15 किलोमीटर की लाइन है, फिर ए से लेकर सी तक ये जो है ये 10 किलोमीटर की लाइन है, और ए से लेकर जी तक जो है वो लाइन है आपके पास 25 किलोमीटर की। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी देखें कि मैंने यहाँ पर कुछ जो लाइनें बनाई हैं वो इस तरह की बनाई हुई हैं कि जैसे ये लाइन जा रही है उसके ऊपर ये, फिर ऐसे करके मैंने फिर ये बनाया हुआ है ये जो है, और यहाँ पर उसके नीचे से ऐसे गुजर रहा है ये देखें जैसे यहाँ पर है, तो ये जो ऐसे करके बनाया ना जंप सा मैंने बनाया हुआ स्लोप सी, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके नीचे एक और पाथ गुजर रहा है। जैसे ये सी से लेकर सी से डी तक डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है, तो ये एक ये पाथ है सी से डी का, और फिर ये ए से लेकर जी तक का एक और पाथ है, तो वो ये जो सी से डी तक है ना उसके पाथ के ऊपर से पाथ गुजर रहा है ए जी का पाथ 25, ठीक है। तो आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं चार नोड हैं जो डायरेक्टली ए के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपने सबसे पहले उनकी यहाँ पर उनको लिख देना, उनकी निशानदेही कर दी यहाँ पर, उसके बाद उनके ऊपर ये जो डिस्टेंसेज हैं वो लगा दिए, पहली चीज़ तो ये होगी। अगला स्टेप क्या करना है, एग्जामिन वेदर दी अबव नोड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, इफ़ येस देन फॉर, अब आपने ये देखना है कि क्या ये जो नोड्स आपने ढूंढे हैं जो ए के साथ कनेक्टेड हैं डायरेक्टली बी सी डी जी, क्या ये आपस में तो नहीं जुड़े हुए, आपस में इंटरलिंक हैं, मतलब बी और सी आपस में तो अटैच नहीं है, सी और जी आपस में अटैच तो नहीं है, सी और डी तो आपस में अटैच नहीं है, इनका आपस में तो लिंक नहीं है, ठीक है। अगर है, इफ़ येस, If yes, then for shortest route draw solid line and for longer route draw dotted line. और अगर ये आपस में interlink हैं या आपस में जुड़े हुए हैं तो फिर आपने उनका distance तलाश करना है, ठीक है, उन nodes का आपस में, ठीक है। वो कैसे मालूम करना है मैं अभी बताता हूँ, और ये याद रखना है जो shortest route होगा उसके लिए हम solid line लगाया करेंगे उस path के लिए, और जो होगा आपके पास longer route उसके लिए हम dotted line लगाएंगे, कितनी होगी बात ये। एंड फाइनली राइट लोअर डिस्टेंस एट ईच नोड, और जो सबसे मतलब जो स्मॉलर डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, उसको उस वो फाइनली डिस्टेंस को हम इस तरह इन नोड के ऊपर लिख देंगे। मतलब क्या है सुने, आगे आपने देखना ये है कि क्या ये स्टेप टू में के बाद अब एक और डायग्राम आगे बनेगी, लेकिन उसके बाद आपने ये लिखनी है सारी चीज़ें। आपने ये देखना है कि ये बी सी डी जी ये चार नोड थे जो ए से स्टार्ट हो रहे थे, क्या ये आपस में अटैच हैं जी। अब गौर करें, क्या बी और सी को आपस में कोई लाइन मिला रही है, नहीं मिला रही, ठीक है। क्या आपके पास सी और जी को लाइन मिला रही है, सी और जी को कोई लाइन नहीं मिला रही, सी से गुजर रही है जी तक नहीं है। अब आप गौर करें कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको डी तक पहुँचने के लिए दो रास्ते मिलेंगे आपको। एक तो डायरेक्ट पाथ है ए से डी तक का, वो 15 किलोमीटर का, ये चेक करें,
ए से डी 15 किलोमीटर है, और दूसरा एक पाथ है जो कि सी से होकर गुजरता है। ए से स्टार्ट करें सी, तो सी तक आएंगे, सी से फिर नीचे आ जाएं डी, तो इसका मतलब डी तक पहुंचने के लिए आपको दो पाथ निकलते हैं, एक डायरेक्टली ए से डी तक आप आ सकते हैं और एक वाया नॉट सी से आ सकते हैं। ठीक है, पहले ए से सी तक जाएंगे फिर सी से डी तक आ जाएंगे। अब सी से अगर अगर आप आते हैं तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना बनता है, पहले ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, फिर नीचे आएंगे तो 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 15 किलोमीटर का फासला हो गया। डिस्टेंस ऑफ लिंक ए डी वाया नोड सी इज 15 किलोमीटर, डायरेक्टली डिस्टेंस या डायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ लिंक ए डी इज 15 किलोमीटर। ठीक है, दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो अगली जो फिगर बनेगी, ठीक है, उसमें मैं इन ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस वाली जो लाइन है ये वाली, उसको भी डायरेक्टली सॉलिड लाइन लगाऊंगा, और ए से सी, सी से डी ये भी जो बनेगी उसको भी सॉलिड हम लाइन लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद आप देखें जी तक पहुंचने के लिए भी आपके पास दो रास्ते आपको मिलेंगे, एक डायरेक्टली ए से जी तक आएँ, वो टोटल डिस्टेंस बनता है 25 किलोमीटर का। ठीक है, और एक आप आ सकते हैं वाया डी से, पहले आप ए से डी तक आएँ 15 किलोमीटर का फासला, फिर डी से ये जा रही है आपकी आपकी सड़क जा रही है, आपका पास जा रहा है, रास्ता जा रहा है, 5 किलोमीटर का फासला जाने का, नीचे आने का है 15 किलोमीटर। देखा ये एरो नीचे की तरफ आई है और ये एरो इस तरफ है जाने का, तो डी जी तक आने के लिए दो रास्ते हैं, डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है वाया डी से। डी से अगर आते हैं तो 15 और 5 20, तो इसका मतलब ये वाला जो डी के ज़रिए आने वाला रास्ता है वो स्मार्टर रास्ता है, तो वो बनता है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। आगे मैंने लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ ए जी वाया नोड डी इज 20 किलोमीटर, वेयर एज द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू जी इज 25 किलोमीटर। ठीक है, आगे आप लिखेंगे एज द डिस्टेंस ऑफ जी नोड जी फ्रॉम ए वाया नोड डी इज स्मॉलर डिस्टेंस, सो वी ड्रा द लिंक ए डी बाय सॉलिड लाइन ए जी, सॉलिड ए जी जो लिंक है उसको जिस हम लाइन से ड्रा करेंगे उसको हम किससे ड्रा करेंगे, सॉलिड लाइन से। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको मिटा लेता हूँ, फिर उसके बाद अगली जो फिगर इसके बाद बनेगी सारी इन्फॉर्मेशन से वो उसको ड्रा करते हैं। बेटा अब नेक्स्ट जो हमने फिगर बनानी है, जो आपने प्रीवियस अभी इन्फॉर्मेशन देख ली कि ए के साथ कौन कौन सा नोड अटैच था और किस किस का डिस्टेंस कितना था, जिसका डिस्टेंस कम है हम उसको डॉटेड लाइन से लगाएंगे और जिसका डिस्टेंस लॉन्गर है ज़्यादा है सॉरी जो शॉर्टेस्ट है उसको सॉलिड से और जो ज़्यादा है उसको डॉटेड से। तो ए से निकल रहे थे आपके पास ये चार नोड बी सी डी जी। ठीक है, आपने देखा कि ए से लेकर डी तक का जो पहुंचने का है वो दो रास्ते से, एक आप डायरेक्ट आ सकते थे और एक आप सी से आ सकते थे, लेकिन दोनों का डिस्टेंस जो था वो एक जैसा था। आप ए से सी तक आएँ 10 और 10 और 5 15, तो डी तक पहुंचने का डिस्टेंस बनता है 15 किलोमीटर। इसी तरह अगर आप डायरेक्टली आ जाएँ तब भी 15 किलोमीटर है, तो जो डिस्टेंस है वो आपने नोड के नीचे इस तरह सर्कल में लिख दें। ठीक है, अच्छा, जो कि दोनों डिस्टेंस एक जैसे हैं तो इसलिए ए से डी तक भी जो लाइन लगेगी वो भी डायरेक्ट ये सॉलिड लाइन लगानी है, और ए से सी, सी से डी ये भी डिस्टेंस 15 किलोमीटर ही बनता है, इसको भी आप सॉलिड लगाएंगे। आगे आप यहाँ तक जी तक जो है वो दो तरीकों से पहुँच रहे थे, एक है ए से डी, डी से जी, तो ए से डी तक डिस्टेंस बनता था 15, और आगे जी तक पहुँचने के लिए डिस्टेंस ये है 5 किलोमीटर, यहाँ से डी से जी तक 5 किलोमीटर है, तो टोटल इधर से डिस्टेंस बनता है ए से जी तक का डी वाया डी वो बन गया टोटल 20 किलोमीटर। जबकि अगर आप डायरेक्टली ए से जी आ रहे हैं ए से जी, तो वो डिस्टेंस आपने देखा था ए से जी डायरेक्टली है 25 किलोमीटर का ये फासला। ठीक है, तो ये डिस्टेंस चूँकि ज़्यादा है इसलिए इसको मैंने लगा दिया डॉटेड लाइन से। ठीक है, और बी जो है वो बी किसी भी नोड से नहीं मिला हुआ सवाए ए से, तो उसके ऊपर सिर्फ इस तरह मैंने ए से बी तक का जो डिस्टेंस बनता है वो जाने का 10 किलोमीटर का फासला है। ठीक है, ये बेटा नेक्स्ट मैंने कहा यार क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया और वीडियो के लेंथ को थोड़ा सा अगर मैंने कंट्रोल करने के लिए और वो ग्राफ भी काफ़ी बड़ा है डायग्राम भी, मैंने कहा चले आपको कॉपी के ऊपर समझा देते हैं। ये हम फिगर 2 तक पहुँच चुके हैं, तो ए से जो नोड्स हैं हमारे बी सी डी जी ये निकला है। ठीक है, आगे अब आपने ये करना है कि अब इन चार नोड्स के साथ बी सी डी जी इनके साथ जो आगे से मज़ीद कनेक्टेड नोड हैं, ठीक है, वो हमने मालूम करने हैं। तो नेक्स्ट नोड्स कनेक्टेड डायरेक्टली विद नोड्स बी सी डी जी आर ई एफ जे एच आई, जैसे कि आप इसको ओरिजिनल फिगर से देख भी सकते हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल फिगर है। तो ये आपका बी सी डी और जी रह गया। अब बी के साथ जो है ये ई अटैच है,
बी के साथ एफ अटैच है, सी के साथ ई अटैच है, इसी तरह सी के साथ यहाँ पर ये जे अटैच है, डी के साथ जी, जी तो पहले ही होगा बीच में आ गया ना, जी के साथ आई अटैच है, सही है, और नीचे जी के साथ एच अटैच है, ठीक होगी बात ये, और इसी तरह डी के साथ एच अटैच है। तो यहाँ पर आपको जो ये पांच मज़ीद नए नोड मिलेंगे ई एफ जे एच आई, अब इन नोड्स का आपने इन नोड से डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। ये मैं डिस्टेंस आपको डायरेक्टली यहाँ पर डायग्राम से भी समझा देता हूँ, बाकी आप बीच में ये लिखना चाहें पेपर में तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ काम चल जाएगा। सिर्फ एक आधी मरतबा शुरू में लिख दें आप, बाकी चाहे ना लिखिएगा। नाउ डिस्टेंस ऑफ नोड ई फ्रॉम बी, पहले आप ई का डिस्टेंस मालूम करेंगे बी से, पहले हम बी नोड को पकड़ेंगे उसका डिस्टेंस मालूम करेंगे, ई का डिस्टेंस बी से भी मालूम करेंगे, ई का डिस्टेंस सी से भी मालूम करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखें आप इसको ना डायरेक्टली ज़रा डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें जी, सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं बी से, हमारे चार नोड्स आपको बस याद होने चाहिए जो उनसे फिगर नंबर टू में, और फिगर नंबर टू ये मैंने नीचे भी बना दिए, ये देख लें बी सी डी जी। पहले हम बी की बात करते हैं, बी तक, बी से निकलता है ई और बी से निकलता है एफ, ऐसे ही है। तो पहले ई की बात करें, ई जो है ई तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस आपको कितना चाहिए ए से, तो पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ तक बी तक 10 था, 10 और 10 ये बी हो गया 20। ई तक पहुंचने के लिए आपको अगर बी की तरफ से आते हैं तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए, और अगर आप सी की तरफ से आते हैं तो फिर यहाँ से 10 ये है और 20 ये है, 30 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ई की तरफ सी की तरफ से आएंगे तो टोटल डिस्टेंस बनेगा आपके पास, अच्छा ये 20 नहीं है सॉरी, 20 इस तरफ है एफ तक जाने का, ये 10 है, सी से लेकर ई तक का डिस्टेंस 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, ठीक होगी बात ये। इसका मतलब ई तक अगर आपने पहुंचना है वाया सी से तो तब भी 20 है, और अगर वाया बी आएँ तो तब भी 20 है, कैसे, यहाँ पर 10 जाने का 10 ये 20 हो गया, तो दोनों चूँकि डिस्टेंस ई तक आने के सेम है, लिहाजा यहाँ से जब मैं ये आगे फिगर नंबर 3 बनाऊँगा उसमें जो लिंक बनेगा ए से सी, सी से ई, या ए से बी और बी से ई, ये दोनों लिंक दोनों पास जो है वो सॉलिड लाइन से ड्रा करेंगे, और यही बात मैंने इधर लिखी है, आपने इस तरह इसको लिख लेना। नाउ डिस्टेंस ऑफ ई फ्राम बी 10 प्लस 10 20, और नोड ई का सी से डिस्टेंस 10 प्लस 10 वो भी 20 किलोमीटर, एज बोथ ऑफ द लिंक बी ई एंड सी ई हैव सेम डिस्टेंस सो बोथ लिंक्स विल ड्रा सॉलिड, ठीक है। ये तो हो गया ई की स्टोरी ख़त्म, आगे देखते हैं अगला नोड जो इनके साथ अटैच है, ई की स्टोरी ख़त्म हो गई, एफ़ की बारी आ गई। एफ़ जो है वो देखें जी सी के साथ भी अटैच है, बी के साथ भी अटैच है, फिर ये जी से भी निकल आता है, और उसके बाद ये एफ़ जो है वो ई से भी निकलता है, लेकिन ई जो है चूँकि हमारे इस वक्त ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ई नोड देखें यहाँ पर शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ शामिल है बी सी डी जी, तो ई इसमें शामिल नहीं है। तो अब अगर एफ़ यहाँ से निकल भी रहा है ई से, तो ई वाले को इसे, ई वाले डिस्टेंस को फिलहाल छोड़ दें, इसी तरह ये आई से भी निकलता है, लेकिन आई अभी यहाँ पर नहीं है, हमारे नोड सिर्फ ये चार हैं बी सी डी जी, बस मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपने एफ़ का जो डिस्टेंस मेजर करना ना, वो कहाँ कहाँ से मेजर कर सकते हैं, बी से, सी से और जी से, तीन तीन डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे, ऐसे ही है। ई वाला भी फिलहाल छोड़ दें। अच्छा देखें जी, अगर एफ़ का डिस्टेंस बी से मेजर करते हैं, बी तक पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 10, और आगे यहाँ तक आने का कितना डिस्टेंस है 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, अगर आप इधर से आते हैं तो इसका मतलब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको चाहिए अगर बी की तरफ से आते हैं। अगर आप एफ पहुँचते हैं सी की तरफ से, तो ए से सी तक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, और इधर से इधर आने का कितना है 15, 15 और 10 कितने हो गए 25, ये 25 और 10 और 20 ये 30, दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ, ये 25 वाला। इसका मतलब इस लाइन को हम अब सॉलिड ड्रा करेंगे, इस पाथ को ए से बी और बी से एफ तक जो पाथ बनेगा वो सॉरी डॉटेड बनेगा। और अगर आप जी की तरफ से आते हैं तो जी तक आने का टोटल डिस्टेंस जो था वो फिगर नंबर 2 में हम पहले निकाल चुके हैं, ये मैंने लिखा हुआ 20 है, ठीक है। और वैसे भी अगर नहीं फिगर नंबर 2 बोल भी गई है तो ये देखें, चलें खैर वो यहाँ 20 है, आसान कर लेते हैं मज़ीद जो मुश्किल ना हो, तो यहाँ 20 है और 5 ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो 20 प्लस 5 कितना हो गया 25। इसका मतलब अगर आप जी से हैं तब भी 25 है, और अगर आप सी से हैं तब भी 25 है, तो ये सी वाली लाइन जो एफ़ की तरफ जाएगी और जी से जो लाइन आएगी, ये दोनों लाइनें लगेंगी सॉलिड, और जब बी से लाइन आएगी वो लगेगी डॉटेड आपके पास। क्लियर होगी बात क्या नहीं ये, और यही बात मैंने यहाँ पर ये नीचे लिख दी है, आप ऐसे इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ नोड बी एफ फ्राम बी ये 30 है, एफ़ का डिस्टेंस सी से 25 है, इसी तरह आगे आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एफ़ फ्राम वाया नोड जी इज़ ऑल्सो 25,
एज द डिस्टेंस ऑफ द लिंक सी एफ एंड जी एफ आर 25 विच इज स्मॉलर देन द डिस्टेंस ऑफ एफ फ्राम बी या लिंक बी एफ, इसके डिस्टेंस स्मॉलर है, सो द लिंक जी एफ एंड सी एफ विल बी ड्रा सॉलिड वाइल द लिंक बी एफ विल बी ड्रा डॉटेड। ठीक है, आगे आपने इतना करने के बाद ये सारी लाइन लिख देनी है। सिमिलरली अदर डिस्टेंसेज बिटवीन नोड्स कैन बी फाइंड एंड रिजल्टिंग डायग्राम इज गिवन बिलो। अब आप डायग्राम बना रहे हैं सीधी सीधी, कैसे डायग्राम बनानी है देखें। इतनी डायग्राम तो हमने पहले बनाई हुई है, ये वाली फिगर नंबर 2 वाली, ये यहाँ पर अब आपने इतनी बना दी ए बी सी डी और ये आ गया आपके पास जी। ये टोटल 5 नोड हैं इसमें, 1 2 3 4 5, ये 5 नोड ड्रा कर दिए। आगे इनके साथ जो उनसे उनसे नोड लिंक थे वो लिख दिए मैंने, ये ई लिख दिया, ये एफ लिख दिया और आगे आई जे एच, इनके मैंने नोड ड्रा कर लिए हैं। अब इनकी लाइनें लगानी है, वो मैं अब आपको सामने लगाता हूँ। यहाँ पर देखें ज़रा, देखें अब प्रॉब्लम इस बात की है कि आपके पास यहाँ पर ये फिगर से जो फिगर नंबर 1 है हमारी ओरिजिनल क्वेश्चन की, उसको देखना अब आपने। अगर फ़र्ज़ करें पहले हम यहाँ एच की बात करते हैं आगे, ठीक है, या जी एफ में देखें कोई डिस्टेंस, जी और एफ आपस में लिंक्ड हैं, ये जी और एफ लिंक्ड हैं। अच्छा वो तो हो गया ना, वो कितना बना था 25 बना था, तो इसका मतलब ये है कि सी से एफ की तरफ है तब भी 25 है और जी से एफ की तरफ है तो भी 25 है। तो ये भी लाइन आप लगा देंगे यहाँ पर, सॉलिड लगा दी लाइन सॉलिड ये। अच्छा अब अगली बात, अब आपके पास आ गया एच की बारी आ गई। एच डायरेक्टली कहाँ से निकल रहा है, एच डायरेक्टली निकल रहा है यहाँ से डी से भी और जी से भी, और ये दोनों डी और जी हमारे इस फिगर का, इस जो फिगर नंबर 2 है इसका हिस्सा है ये वाले नोट। तो आपने देखना है एच अगर जी से आता है तो जी तक पहुँचने के लिए टोटल कितने पहले डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस था पहले 20 ये और 10 ये, कितने हो गए 30। और अगर आप डी की तरफ से आते हैं तो डी तक आने का पहले 15 किलोमीटर का फासला था, अब मजीद ये डी से आगे चलें तो 10 किलोमीटर ये, 10 और 15 25, इसका मतलब अगर आप एच की तरफ आते हैं डी से तो टोटल 25 बनते हैं, और अगर जी की तरफ से आते हैं तो फिर जी पर कितना लिखा हुआ नंबर 20 और 10 30, जी की तरफ से आएंगे तो 30 आएगा, डी की तरफ से आएंगे तो 25 आएगा। इसका मतलब हमें जी से एच की तरफ आने पर डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, इसको हमने ड्रा करना है डॉटेड से, और जब आप इधर आएंगे ऐसे ये लाइन आएगी सॉलिड, और यहाँ पर जो डिस्टेंस बनता है मिनिमम डिस्टेंस दैट इज़ 25, ये हो गया। अगली बात जे देखें, डायरेक्टली मिला हुआ किसी से, जी हाँ जी, जे जो है वो एच से भी मिला हुआ है सही है, लेकिन एच हमारा इसका हिस्सा नहीं है, इस फिगर का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको एच से तो छोड़ दें। फिर जे डायरेक्टली मिला हुआ सी से, तो सी हमारे इस फिगर का हिस्सा है, तो इसका मतलब सी से लेकर जे तक का जो डिस्टेंस बनता है वो कितना है, ये लाइन इस तरह चल रही है ज़िगज़ैग, ये 20 है, इसका मतलब ये एक लाइन यहाँ तक आप लगा देंगे सॉलिड, क्योंकि ये जे सिर्फ फिलहाल ए की नोड से मिला है, वैसे तो के से भी मिला हुआ है लेकिन के हमारे इस फिगर का हिस्सा नहीं है ना भाई, आपने सिर्फ वो वाले देखने हैं नोड जो इस फिगर के हिस्से हैं, इस फिगर से मिले, इन नोड्स से मिलकर नज़र आते हैं। तो जे जो है वो एच से मिला हुआ है लेकिन एच इसमें मौजूद नहीं है, जे जो है वो के से मिला हुआ है के इसमें मौजूद नहीं है, जे जो है वो सी से मिला हुआ है हाँ सी इसमें मौजूद है, ठीक है। तो सी तक टोटल डिस्टेंस 10, ये यहाँ तक 10 था और आगे आने का कितना 20, तो इसका मतलब टोटल सी तक जे सी से अगर आप ड्रा लाइन करेंगे, यानी यहाँ से ये लाइन ड्रा होगी ऐसे, तो टोटल ये बनेगा फिलहाल 30 किलोमीटर, क्लियर होगी बात क्या नहीं। अब आपने आगे जो बाकी नोड्स रह गए हैं ना इनको भी इसी तरीके से फिल करना है, आगे आपने लिखना है नेक्स्ट वी इंट्रोड्यूस द रिमेनिंग नोड्स दैट आर कनेक्टेड विद द प्रीवियस नोड्स, ठीक है, एंड विल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। तो इसी फिगर को चाहे अब दोबारा आगे इम्प्रूव कर लेते हैं, ले बेटा नेक्स्ट एंड द लास्ट आइट्रेशन आएगी, पहले यहाँ पर मैं लिख लूँ यार ये 30 मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जी पर जो सॉल्यूशन था फर्स्ट आइट्रेशन में वो 20 था, ठीक है। अच्छा अब आपने इसके बाद अगली मैंने बताई ये बात कि आपने जो रिमेनिंग नोड्स हैं उनके मतलब उनको बताना है कि हम वो अब मिलाने लगे हैं उनको, ठीक है। अब मैं वो दोबारा ये सारी फिगर दोबारा नहीं बना रहा, इसी फिगर्स में मैं आपको बताने लगा हूँ। रिमेनिंग नोड बचते हैं देखें जी, आई है, जे है और एक ये नोड है के, आई के जे, बस यही नोड बाकी रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक और नोड ड्रा कर लेंगे, वो आ गया जी हमारे पास के,
सही है। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, मैंने जब क्वेश्चन शुरू करवाया था ग्रीन बोर्ड के ऊपर तो वहाँ पर देखे मैंने एफ से सी को नहीं मिलाया हुआ, वहाँ पर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस छोड़ गया हूँ, तो वो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। वो खैर अभी जब मैंने कॉपी पर करवाया तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ी है एफ वाले की, पहले नहीं ज़रूरत पड़ी थी इसकी, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा अब आपने इन नोट्स में कौन कौन से नोट जो बाकी यहाँ पर बने हुए हैं, ई एफ मतलब ये सारे जो नज़र आ रहे हैं, अब आप चेक करो आई, आई जो है वो इनके साथ कैसे कैसे मिला हुआ है। आई जो है वो ई के साथ मिला हुआ है, आई जो है वो एफ के साथ भी अटैच है, आई जो है वो जी के साथ भी अटैच है, ऐसे ही है। सिर्फ वो वाले नोड लेने हैं जो पहले गुजर चुके हैं। आई वैसे के साथ भी अटैच है लेकिन के वाला नहीं कंसीडर कर सकते हम, वो तो अब आया ना, वो तो खुद डिपेंडेंट है। तो आई ई के साथ अटैच है, एफ के साथ अटैच है, जी के साथ अटैच है, हाँ बस ये दो बनते हैं। सबसे पहले हम ई से देखते हैं, ई से पूछते हैं भाई ई तक आने का डिस्टेंस कितना है, 20 है। आगे आई तक चलेगा कितना डिस्टेंस बनेगा, 20 और ये 25, 45, 45 बनेगा। अब इसको लिखते जाते हैं ज़रा हम साइड पर ना, साथ साथ यहाँ पर लिख लेते हैं कि ई का आई तक आने के लिए जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो अभी तक एक बना, अगर ई से आते हैं तो 45। आगे अगर आते हैं आप एफ़ से तो पहले एफ़ तक पहुँचने का कितना डिस्टेंस बना अभी तक, मिनिमम डिस्टेंस वो 25 आया और ये जाने का फासला कितना है, 15 है, तो 25 और 15 कितना हो गया, 40। इसका मतलब 25 और ये 25 ये वाला और ये 15 और मज़ीद जाने का, इसका मतलब अगर आप आई तक आते हैं वाया एफ से तो अब डिस्टेंस बनता है 40 किलोमीटर का, ठीक है। अच्छा और अगर आप आते हैं जी से तो जी तक आने के लिए 20 ये पहले गए हैं और ये जी तक पहले ये भी 20 हैं, तो इसका मतलब 20 और 20 40। अगर आप जी से आते हैं आई तक तो तब भी 40 हैं, तो कौन सा डिस्टेंस सबसे कम है, एफ़ से और जी से आएँ तो कम है, ई से आएँ तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन लगेगी ना अब ई से आई तक ये लगेगी डॉटेड और बाकी ये एफ़ वाली लाइन और जी वाली लाइन लगेगी सॉलिड। तो इसका मतलब ये देखें ऐसे मिलाऊंगा मैं इसको, ई को जब मैं इससे मिलाऊंगा आई से ये ऐसे आ जाएगी, जब मैं मिलाऊंगा एफ से ये लगेगी सॉलिड और इसी तरह जब मैं जी से मिलाऊंगा तो ये भी लगेगी सॉलिड और दोनों का डिस्टेंस कितना, मिनिमम डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, तो इसके ऊपर 40 लिख देंगे। ये होगी बात ख़त्म इसकी आई की, ठीक होगी बात ये। अच्छा अब आगे चलें, अब अगली बात ये है कि हमारे पास ये है जे, जे को तो खैर मैं पहले मिला चुका हूँ ना, अब सिर्फ रह गया है एक के रह गया, ठीक है। के जो है कहाँ कहाँ से निकलता है, एक तो वो निकलता है आई से और एक निकलता है अब जे से, वो सही है। जे तक पहुँचने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना चाहिए, 30 ये और 30 ये है, कितना हो गया 60। और अगर आप आई की तरफ से आते हैं तो 5 ये हैं और आई तक पहले पहुंचेगा कितना डिस्टेंस है, 40, तो इसका मतलब ये बनेगा 45। देखो जी अगर आप के तक आते हैं आई की तरफ से तो आई की तरफ से आने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी तक निकला 40 किलोमीटर, तो ये कितना बन जाएगा 45। और अगर आप के से आते हैं जे की तरफ से तो जे तक पहुंचेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले सेकंड आइटरेशन जो हमने पहले किया आइटरेशन वो 30 मतलब 60, तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसको हम लगा देंगे, मतलब ये लगेगी लाइन अब ऐसे सॉलिड और ये वाली लाइन कैसे लगेगी अब आपके पास डॉटेड। अब ये नीचे रह गया एच से जे वाला, एच से जे तो जे एच तक आने का डिस्टेंस जो है पहले 25 है और आगे 20 ये है, तो ये भी 45 बनता है, ठीक है। और पहले जो डिस्टेंस है जे तक आने का सी से वो कितना था, 30 है, लेकिन इस मरतबा अगर एच से आएँ तो वो बनता है एच तक 25 और 20 45, ये ज़्यादा है, उसका मतलब इसको भी अगर आप मिलाएंगे तो ये इसमें डोटेड मिलेगा। तो ये आपके पास तमाम के तमाम नोट जो हैं वो मिल गए हैं, ठीक है, इस फिगर में। अब आपके पास जो रूट निकलते हैं, अच्छा के तक पहुँचने का जो डिस्टेंस है वो कितना निकाला है, हमने ए से के तक पहुँचना था वो डिस्टेंस कितना निकलता, 45, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 45। देखिए जी ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 45 किलोमीटर। अब इस 45 किलोमीटर तक आपने पहुंचना किस किस रूट से है, जौन सी लाइनें आपकी सॉलिड है ना वो वाले रूट आपके बनेंगे वो। अब सुने कितने रूट बनते हैं आपके पास यहाँ से। अच्छा एक और थोड़ा सा काम रह गया, ये देखें ई तक आप जब पहुँचते हैं, यहाँ पर ये ई और एफ वाली लाइन मिली हुई है, ये रहेगी लाइन लगाने वाली। ई तक पहुँचने का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, आगे मज़ीद एफ तक आएँ तो 25 बनता है और पहले भी हमने 25 से निकाला डिस्टेंस, तो ये भी लाइन एक सॉलिड लगेगी, ये मैं बोल गया हूँ, ये लाइन आएगी, ठीक है। अच्छा जी
नहीं जी, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो पाथ आपके बनने में कौन कौन से बनने हैं, अगर गौर से देखिएगा। जो ये सॉलिड लाइन है ना, ये इसीलिए लगवाई थी कि अब आपको मजीद कैलकुलेशन ना करनी पड़े। देखो जी, पहली सॉलिड लाइन ए से बी, पहले आप ए से बी की तरफ जाएंगे, फिर बी से ई की तरफ आ जाएंगे, फिर ई से आप नीचे इधर आ गए एफ़ की तरफ, एफ़ से आए आई की तरफ, और आई से फाइनली आप के तक पहुँच गए। आपने के तक पहुँचना है, ये आप आ गए के तक। एक ये पहला पाथ ये बनता है, और ये हर पाथ का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 45 किलोमीटर होगा। आप इसको अपनी ओरिजिनल फिगर से मेजर करके भी देख सकते हैं तो 45 बनेगा। चलो हाँ, पहले ए से बी चलें, ए से बी जाने पर 10, फिर आगे मैंने कहा बी से ई आएँ, बी से ई भी 10, 10 और 10 20, आगे ई से एफ़ आएँ, ये नीचे ई से एफ़ आ गए, 10 और 10 20, 20 और 5 25 एफ तक आने का। अच्छा, आगे एफ़ से आई आएँ, एफ़ से आई 25 वो हो गए, 25 और 15 ये जाने के कितने हो गए 40, और आगे आई से के आ जाएँ, ये आई से के आएँ 40 और 5 45। ठीक है, आप किसी भी रास्ते की तरफ से आएंगे हमेशा 45 किलोमीटर का डिस्टेंस निकलेगा आप, जो ऑप्टिमल डिस्टेंस है। आगे दूसरा बात देखें, आप ए से सी की तरफ आते हैं, ए से सी की तरफ आ गए, फिर सी से जाएँ ई की तरफ, फिर ई से यहाँ नीचे एफ़ की तरफ आ जाते हैं, ये भी सॉलिड है ना, फिर आप एफ़ से आगे आई की तरफ चले जाते हैं दोबारा, और आई से फिर दोबारा के की तरफ आ जाए। इधर से भी आप मेजर करके देखें तो ये 45 किलोमीटर निकलेगा। फिर आप दोबारा ए से सी की तरफ आते हैं, तीसरा रास्ता ए से सी की तरफ आते हैं, सी से अब ऊपर ई की जाने तरफ जाने के बजाय नीचे आ जाएं इधर सी से एफ़ की तरफ, और एफ़ से आगे आई फिर के, ये आई फिर के की तरफ आ गए आप। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अगली बात, अच्छा ए बी, ए से बी हो गया, ए से सी भी निकला है, सी से दो डिस्टेंस निकलते थे वो निकाल ली हमने। अच्छा, अब आप जनाब आ जाए ए से डी की तरफ, एक पाथ ये निकलेगा चौथा, आप आए ए से डी की तरफ, फिर आप डी से आगे चले जाएँ यहाँ से जी की तरफ, जी से फिर ऊपर आप एफ़ की तरफ चले जाएँ, फिर एफ़ से ऊपर आप आई की तरफ आ जाएँ, और आई से दोबारा आप के की तरफ चले जाएँ, एक चौथा पाथ ही आता है। फिर पाँचवा पाथ देखें, आप ए से डी की तरफ आएँ, डी से आगे आप आ जाएं, आप पहले आप किस तरफ गए थे, ए से डी, डी से जी, जी से एफ, अब अगर आप ए से डी, डी से एच की हर तरफ आते हैं तो आगे जाने का रास्ता कोई नहीं है, ये आपकी डॉटेड लाइन है, यानी समझें कि डिस्टेंस है, पाथ है नहीं, ब्रोकन है ये, इसका मतलब ये वाला नहीं आना था अभी, ए से डी नहीं आना था, हाँ नहीं, ये सॉरी है, ए से डी, डी से जी, और जी से देखें ये डायरेक्ट ऊपर आप एफ़ को छोड़ के जाएँ, सीधा आई तक चले जाएँगे, ये डिस्टेंस ये पाथ जा रहा है आई और फिर के, तो ये आएगा ए से डी, डी से जी, जी से आई, और आई से के की तरफ। अच्छा, एक पाथ अगला निकलेगा ए से सी, ए से आगे सी की तरफ, सी से आगे आप नीचे डी की तरफ, डी से आगे आप जी की तरफ, जी से आप आए ऊपर, अब जी से फिर दो रास्ते निकलते हैं, अब चाहे एफ़ से चले जाओ, एफ फिर आई है और फिर ऊपर के है लास्टली, ये एफ, ये आई और ये फिर के, और एक इसी तरह ही अगर आप जब पहुंचेंगे सातवें में, ए से लेकर सी, सी से लेकर डी, अब चूंकि डी से, डी से आप जब जी की तरफ आएंगे फिर आगे यहाँ से दो लाइनें निकल आएंगी, ये वाली जो पहले मैंने बताई, जी से एफ, अब जी से आई और फिर के, सीधा सीधा जी आई और के। ठीक है, तो ये टोटल पाथ हैं पॉसिबल, और ये तमाम के तमाम पाथ जो हैं वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सभी पाथ से आप ए से के की तरफ मूव कर सकते हैं, और सभी के सभी जो है वो आपको ऑप्टिमल डिस्टेंस यानी कि लीस्ट डिस्टेंस बताते हैं 45 किलोमीटर का। तो नो डाउट कि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई, असल में थोड़ी सी मैंने फिगर काफ़ी बड़ी ले ली थी ये सोच करके आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाए। अपनी तरफ से मैंने काफ़ी कोशिश की है भी, अपना उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी, ना समझ आई हो तो यार मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैसेज करके इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।